चाहूंगा एकदम जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा मिस्टर आदित्य राज सिंह साहब को, एकदम जोरदार तालियों से बनती है मिस्टर आदित्य राज सिंह। आपकी एज कितनी है? 24। छोटी सी एज में, मात्र 24 साल की एज में हिंदुस्तान का जो सबसे अहम टूर्नामेंट है फुटबॉल का, संतोष ट्रॉफी, उसमें उत्तर प्रदेश टीम के आप कप्तान रहे हैं, तो एक हमारा भी तो धन्यवाद आपके लिए बनता है। अगर आपने शहर को गौरवान्वित किया तो एक हमारा भी तो एक छोटा सा धन्यवाद बनता है। और मैं उस धन्यवाद को देने के लिए कहना चाहूंगा हमारे जो गेस्ट हैं श्री अर्जुन सिंह पथीरा साहब से, एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारा ये नौजवान पीढ़ी है एक बार इसको मोमेंटो प्रदान करके इसका उत्साहवर्धन करा जाए। पानी तो बनती है भाई, संतोष ट्रॉफी खेलना इतना आसान नहीं है, जिंदगी निकल जाती है सोचने में, और खिलाड़ी बनने में तो हमें लगता है कितना समय लग जाता है। अच्छा, मुझे लगता है कि हम सब लोगों से सीखते हैं, हमने बड़ों से सीखा, उनके तजुर्बे से हमने बहुत कुछ सीखा। मैं चाहूंगा कि आज जो हमारा यंगस्टर है, जो यंग ब्लड है, वो भी कुछ कहे कि ये जो आज खिलाड़ी वहां खड़े हैं वो यहां तक आ जाए। ग्राउंड है जहाँ से 7-8 साल पहले मैं यहीं पे खेला करता था, और स्टेडियम के सब लोगों ने सपोर्ट करा और अब भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बस ये मत छोड़ना कि आप सोच रहे हो कि अब छोड़ दूँ गेम, अब कुछ नहीं हो पा रहा। एक ना एक 10 साल बाद मैं संतोष ट्रॉफी खेला हूँ, 10 साल बाद, 10 मैं ना कोई 19 नेशनल खेला ना कुछ खेला, लेकिन बस मैं खेलता चले गया। मैंने सोचा एक ना एक दिन तो कुछ होगा, फिर 10 साल बाद आके संतोष ट्रॉफी मिली। बस यही है, अगर आप चाहते हो खेलना तो छोड़ना मत खेलना, आप जरूर एक ना एक दिन कामयाब हो गए। कांग्रेचुलेशन आदित्य, हम हमेशा से यही करते आते, खिलाड़ियों को स्टेज पे दो ही चीजों के लिए बुलाया जाता है, मोमेंटो ट्रॉफी के लिए या फिर डांट और मार खाने के लिए। वो हमने भी करा है, आप सबने भी करा है, इसलिए थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है, लेकिन जो उनका आज एक ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको लो सलूट है। और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए दोबारा से, कि आगे आने वाले समय में ये संतोष ट्रॉफी ही नहीं इंडियन टीम का कैप्टन बने और अलीगढ़ का नाम जो है पूरे विश्वभर में रोशन हो। अब समय आ चुका है उसका जिसका हमें आप सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि जो सेरेमनी है, जो मेडल सेरेमनी है उसका। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा गर्ल्स टीम को, क्योंकि नारी प्रधान देश है और उनके बिना हमारी जिंदगी ही नहीं, हमारा सब कुछ अगर बात करें घर गृहस्थी अधूरा है। तो मैं बुलाना चाहूंगा जो रनर टीम है, सो रनर टीम इज अग्रसेन इंटर कॉलेज। मैं रिक्वेस्ट करना एक बार आगे आ जाए बच्चों को मोमेंटो प्रदान करने के लिए। सर प्लीज, आप सब लोग एक साथ, आप सबका ये स्टेज है, ये शहर आपका है, ये स्टेज भी आपका है और ये बच्चे भी आप ही हैं। एंड द नेम ऑफ द प्लेयर्स आर ज्योति। भाई तालियां तो बजा दीजिए, जब तक आप इनके लिए नहीं बजाएंगे तो वो लोग आपके लिए तालियां नहीं बजाएंगे। वंदना, विपाशा, मैं फकीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर आप एक बार बच्चों को मैं। स्वाति, भावना, रेशम, प्राची, मैं अतिन गुप्ता साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर प्लीज एक बार भी आप भी आ जाए। प्रवीण गुप्ता साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर एक बार आप लोग भी आगे आ जाए। प्राची, सान्या, मिन्हा, इरम एंड काजल, एक बार जोरदार तालियां हमारी रनर टीम, गर्ल्स की रनर टीम अग्रसेन इंटर कॉलेज की, और अग्रसेन इंटर कॉलेज के जो शिक्षक हैं, जो उनके कनिष्का एंड संजना, ये
किसी का ऐसा तो नहीं है बैच रह गया, मेडल रह गया हो, पोटिंग का हो गया। ओके नाउ इट्स टाइम टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर टीम एंड द विनर टीम इज ओजोन सिटी। सो कैन वी हैव अ बिगर अप्लॉज फॉर द ओजोन सिटी। मैं राकेश सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर सर प्लीज। एंड द नेम ऑफ द प्लेयर्स आर प्रिया, प्रिया तालियां बजा दीजिए भाई, ये भी वही खिलाड़ी है जैसे बॉयज टीम, बॉयज टीम, बॉयज टीम, बॉयज टीम। रीता, बबीता, जो ट्रॉफी है और जो विकास के द्वारा वो विनर और रनर्स के लिए